दोस्तों, एक बार बिल गेट्स ने कहा था कि अगर माइक्रोसॉफ्ट में इंडियंस को जॉब नहीं देंगे तो इंडियंस दूसरा माइक्रोसॉफ्ट बना लेंगे। और इंडियंस के इसी काबिलियत की वजह से आज दुनिया की कुछ टॉप लीडिंग कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं, जो कि कंपनीज को करोड़ों कमाने में हेल्प करते हैं और वो खुद भी करोड़ों कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ सीईओ के बारे में। पहले नंबर पर है सुंदर पिचाई, जो कि दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट गूगल के सीईओ है। एक ऐसी पोस्ट जिसके बारे में एक आम आदमी सिर्फ सपने देख सकता है। तमिलनाडु में रहने वाले सुंदर पिचाई ने 1993 में अपनी बीटेक की डिग्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से की थी। फिर स्कॉलरशिप मिलने के बाद उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। और फिर यूएस में ही रहकर उन्होंने 2002 में अपनी एमबीए की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कंप्लीट की थी। उसके बाद 2004 में सुंदर पिचाई गूगल में एज अ मटेरियल इंजीनियर हायर किए गए थे, जहां वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम करते थे। सीईओ बनने से पहले सुंदर पिचाई गूगल के कुछ जाने माने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जैसे गूगल क्रोम, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स और क्रोम ओएस पर भी काम कर चुके हैं। अपने काम में सबसे अच्छे होने के कारण उनको गूगल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। 2012 में सुंदर पिचाई गूगल एप्स के भी इंचार्ज थे और 2013 में वो एंड्रॉयड को भी लीड कर रहे थे। गूगल क्रोम और एंड्रॉयड की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद सुंदर पिचाई गूगल में जाने माने और ऑनरेबल पर्सनालिटी बन चुके थे, जिसके चलते 2015 में सुंदर पिचाई को गूगल के सीईओ पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया था। और तब से लेकर आज तक गूगल कंपनी हमेशा ऊंचाइयों के पहाड़ छू रही है। अपने इनोवेटिव क्रिएशंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के चलते गूगल आज वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज में आती है। और इस सब के पीछे सुंदर पिचाई जैसे मास्टरमाइंड की मेहनत और लगन है। गूगल कंपनी के सारे एम्प्लॉयज, इंजीनियर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, सब लोग सुंदर पिचाई के विजन पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। इसीलिए रिसेंटली 2019 में सुंदर पिचाई गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी सीईओ बन चुके हैं। अब गूगल के साथ साथ सुंदर पिचाई अल्फाबेट के अंडर 200 और कंपनीज को भी संभालेंगे। इन सब के चलते आज इनके नेटवर्थ $1.28 बिलियन है, यानी इंडियन रुपीज में लगभग 9,430 करोड़। दूसरे नंबर पर है सत्य नडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट टेक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ बनकर सत्य नडेला ने ये प्रूव किया है कि हम भारतीय किसी से कम नहीं है। 1988 में सत्य नडेला जी ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री मणिपाल यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट की थी। फिर यूएस में जाकर उन्होंने अपनी एमएस इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री 1990 में कंप्लीट की थी। माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करने से पहले सत्य नडेला सन माइक्रोसिस्टम्स नाम की कंपनी में एज ए टेक्नोलॉजिकल स्टाफ काम कर चुके थे। फिर 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से एमबीए करते हुए वो माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन हो गए थे। वीकली वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे और वीकेंड्स पर कॉलेज जाया करते थे। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट बहुत रैपिडली ग्रो हो रही थी, जिसकी वजह से सत्य नडेला जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई थी। और फिर कुछ सालों बाद वो कंपनी के ज्यादातर डिपार्टमेंट संभालने लगे थे। सत्य नडेला कंपनी के कुछ बड़े प्रोडक्ट्स जैसे स्काइप, वन ड्राइव, एक्सबॉक्स लाइव और क्लाउड एंड एंटरप्राइजेस को भी संभाल चुके हैं। इतना ही नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट के कई डिपार्टमेंट्स के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन के चलते बिल गेट्स ने भी उनके काम को काफी नोटिस किया था और उन्हें फीडबैक भी दिया था। फिर 2014 में सत्य नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का थर्ड सीईओ अनाउंस किया गया था। और तब से लेकर आज तक सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की ग्रोथ रुकने नहीं दी है। आज सत्य नडेला के अंडर विंडोज 10, सरफेस प्रो, अजूरे और एच जैसे इनोवेटिव और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। आज स्टॉक मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स की प्राइस हमेशा टॉप पर रहती है, जिसकी वजह से आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज के लिस्ट में थर्ड नंबर पर है। इसी के चलते माइक्रोसॉफ्ट ने मोजैंग, लिंक्डइन और गिटहब जैसे बड़े कंपनीज को भी एक्वायर कर लिया है। सत्य नडेला की माइक्रोसॉफ्ट से ईयरली अर्निंग 306 करोड़ रुपीज है और माइक्रोसॉफ्ट में भी वो 800,000 शेयर्स ओन करते हैं, जिसकी वैल्यूएशन आज $120 मिलियन है। और इन सब के चलते सत्य नडेला की नेटवर्थ आज $387 मिलियन है। तीसरे नंबर पर है शंतनु नारायण, द मोस्ट फेमस कंपनी अडोबी के चेयरमैन एंड सीईओ। अडोबी के सॉफ्टवेयर्स आज हर छोटे से छोटे ऑफिस से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनीज में यूज किए जाते हैं। अडोबी कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई थी और उसके ठीक 9 साल बाद 1999 में शंतनु नारायण ने अडोबी ज्वाइन किया था। हैदराबाद में रहने वाले शंतनु नारायण एक तेलुगु फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री हैदराबाद की ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी
और उसके बाद उन्होंने अपनी MBA की डिग्री कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी। शंतनु नारायण ने अपना करियर एप्पल कंपनी से स्टार्ट किया था और उसके बाद वो सिलिकॉन वैली में डेस्कटॉप एंड कोलैबोरेशंस के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। फिर 1998 में शंतनु नारायण को एडोबी में एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट रिसर्च के लिए भी हायर किया गया था और जॉइनिंग के 9 साल बाद ही 2007 में वो एडोबी के CEO पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए थे। अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन के चलते उन्होंने एडोबी को एक बड़े सक्सेस तक पहुंचाया है। एडोबी 350 कंपनीज के साथ डील्स कर चुकी है। बड़े मीडिया फर्म्स जैसे वायाकॉम, CBS और PBS अपने सारे वीडियोस एडोबी प्लेयर पर ही प्ले करते हैं और इस सब के पीछे शंतनु नारायण का हाथ है। CEO बनने के बाद शंतनु नारायण ने एडोबी में बहुत सारे चेंजेस लाए जिसके चलते 2 सालों के अंदर ही एडोबी की स्टॉक प्राइस डबल हो चुकी थी। इसके अलावा वो 5 पेटेंट्स भी ओन करते हैं। शंतनु नारायण डेल इनकॉर्पोरेटेड के भी बोर्ड मेंबर है, वैसे ही फाइजर के लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है। इतना ही नहीं, 2011 में शंतनु नारायण को फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा के एडवाइजरी मेंबर के लिए भी अपॉइंट किया था। इस सब के चलते उनकी ईयरली सैलरी $1 मिलियन है और उनकी नेटवर्थ $39 मिलियन से भी ज्यादा है। 4th नंबर पर है अजय पाल सिंह बांगा, CEO ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोन कंज्यूमर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मास्टरकार्ड। अजय पाल सिंह बांगा पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपने बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी और उसके बाद उन्होंने अपना MBA अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। अजय पाल ने अपना करियर 1981 में नेस्ले कंपनी से स्टार्ट किया था जहां वो 13 साल तक सेल्स और मार्केटिंग की टीम में थे। उसके बाद वो कई इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स को इंडिया में लॉन्च करने में भी शामिल थे। अपनी करियर में उन्होंने बहुत सारे पोजीशंस पर काम किया है। 1996 में वो इंडिया के सिटी कॉर्प में कंज्यूमर बिजनेस मैनेजमेंट के हेड थे। फिर 2000 में अजय पाल US कंज्यूमर एसेट्स डिवीजन के हेड ऑफ सिटी फाइनेंशियल थे। उसके 2 साल बाद 2002 में उन्हें नॉर्थ अमेरिका के रिटेल बैंक का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। इस सब के बाद उन्होंने 2009 में US में मास्टरकार्ड ज्वाइन किया और उसके 1 साल बाद ही 2010 में अजय पाल सिंह बांगा को मास्टरकार्ड कंपनी में एज CEO अपॉइंट किया गया था। CEO बनने के बाद अजय पाल सिंह ने डेबिट कार्ड्स को नए फीचर्स के साथ रीडिजाइन किया और एक क्रिएटिव ब्रांडिंग टैक्टिक के साथ उन्होंने डेबिट कार्ड्स की मार्केटिंग की थी जिसकी वजह से डेबिट कार्ड्स यूज करने का ट्रेंड बहुत बढ़ गया था। बारकोड स्कैनिंग जैसे इनोवेटिव आइडियाज के चलते अजय पाल सिंह ने मास्टरकार्ड को बहुत ग्रो किया है और इन सब के चलते अजय पाल सिंह की नेटवर्थ आज $223 मिलियन है। 5th नंबर पर है संजय मेहरोत्रा जो कि सैंडिस्क के को-फाउंडर और फॉर्मर CEO है और अब माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO है। उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से कंप्लीट की थी। अपना करियर उन्होंने 1980 में इंटेल कॉर्पोरेशन के साथ स्टार्ट किया था जहां वो नॉन वोलेटाइल डिजाइन इंजीनियर की पोस्ट पर थे। और फिर संजय मेहरोत्रा ने 1988 में अपने 2 फ्रेंड्स के साथ मिलकर सैंडिस्क कंपनी फाउंड की थी। इस कंपनी के थ्रू उन्होंने 90s के टाइम में ही हार्ड ड्राइव्स को फ्लैश मेमोरी में बदल दिया था। 2011 से लेकर 2016 तक वो सैंडिस्क के प्रेसिडेंट और CEO भी रहे थे। इससे पहले भी वो सैंडिस्क में कई पोस्ट पर काम कर चुके हैं जैसे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, डायरेक्टर ऑफ मेमोरी डिजाइन एंड मेनी मोर। नॉन वोलेटाइल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में संजय मेहरोत्रा को 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है जिसके चलते 2019 में उन्हें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन का चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। उन्होंने नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिजाइन और फ्लैश मेमोरी पर कई आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके पास आज 70 से भी ज्यादा कॉपीराइटेड पेटेंट्स हैं। 2017 में जब मार्क डॉकिंस जो कि माइक्रोन के फॉर्मर CEO है, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट करने के बाद संजय मेहरोत्रा को माइक्रोन का CEO बना दिया था। अब माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंडिया में भी सेटअप हो चुकी है। 2019 में माइक्रोन ने बेंगलुरु में अपना पहला ऑफिस ओपन किया था। वैसे ही वो सिंगापुर, चाइना, ताइवान और जापान में भी बहुत पहले ही एक्सपांड हो चुकी है और माइक्रोन टेक्नोलॉजी की वैल्यूएशन आज $55.78 बिलियन से भी ज्यादा है। इस सब के चलते संजय मेहरोत्रा माइक्रोन टेक्नोलॉजी में 12,500 यूनिट्स के स्टॉक्स भी ओन करते हैं जिसकी वैल्यू ओवर $3.8 मिलियन है। तो ये थे हमारे इंडियन CEOs जिनकी वजह से आज ये कंपनीज करोड़ों कमाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक नए और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।